हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप मर्चेंट सेंटर होता क्या है, ये हम क्यों बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ये किन किन प्लेटफॉर्म्स पे ऐड शो कर रहा होता है और इसके फायदे क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको मर्चेंट सेंटर बनाना बताऊंगा कि आप किस तरह बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मेरी एक वेबसाइट है लर्न विद अतीक ऑनलाइन, तो मुझे इसका मर्चेंट अकाउंट बनाना है। मैं क्या करूँगा, इसका यूआरएल कॉपी करूंगा और गूगल पे टाइप करूंगा जाके गूगल मर्चेंट सेंटर। ये मैंने टाइप किया, टाइप करके मैं पहले यूआरएल पे क्लिक करूंगा। पहले यूआरएल पे क्लिक करके मुझे क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, गूगल मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, मुझे उनका आंसर देना है कि डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। यस, मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। और मैं इधर क्या करूंगा, अपनी डोमेन ऐड कर दूंगा। डोमेन ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूंगा, डू यू हैव अ ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर। नो नो पे क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अभी कुछ एरर आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको अगेन यस कर देता हूँ। यस करके अगेन सेम एरर। हम ये ना बेसिकली कुछ टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, एरर आते रहते हैं। ये देखिए, अब उसने नेक्स्ट प्रोसीड कर दिया। अब मैं इधर अपना बिजनेस नेम ऐड करूंगा, लर्न विद अतीक। ठीक है, उसके बाद अपना कंट्री सिलेक्ट करूंगा, पाकिस्तान मेरा कंट्री है तो इसको एज इट इज रहने दूंगा। और मैं चेक कर दूंगा गेट पर्सनलाइज्ड ईमेल नोटिफिकेशन के, मुझे नोटिफिकेशन शो करने हैं आपने, और कंटिन्यू कर दूंगा मर्चेंट सेंटर के साथ। कंटिन्यू करके अब गूगल क्या करेगा, हमें इससे नेक्स्ट वाले पेज पे नेविगेट करेगा और हमें कुछ अपने स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने होंगे मर्चेंट अकाउंट को बनाने के लिए, ताकि हमारा मर्चेंट अकाउंट अप्रूव हो सके। अभी के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना है, ऐड योर बिजनेस एड्रेस। हमें बिजनेस एड्रेस ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड पे के बटन पे क्लिक करके हमें अपने बिजनेस डिटेल देनी पड़ेगी कि मेरा एड्रेस है गुलबर्ग 3 लाहौर। ठीक है, उसके बाद सिटी है मेरा लाहौर, प्रोविंस है मेरा पंजाब, जिप कोड है मेरा ये वाला। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद हमने एक स्टेप ऐड कर दिया, ये मेरा वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमें आना नेक्स्ट स्टेप पे कि हमें अपना नंबर और बाकी चीज़ें वेरीफाई करवानी है। मैं इधर अपना नंबर ऐड कर देता हूँ। और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कॉल आएगी मुझे और मैं इसको वेरीफाई करवा लूंगा। ठीक है, तो ये अभी कॉल आएगी तो मैं कोड ऐड करूंगा तो वो मेरी मेरा ये वेरीफाई हो जाएगा। इस स्टेप को मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, कैंसिल। उसके बाद मुझे आना थर्ड स्टेप पे। ठीक है, कि मुझे कंफर्म करना है कि मेरे ऑनलाइन जो बिजनेस है वो, उसको मुझे क्लेम करना, बेसिकली इसको क्लेम करना बोलते हैं। मैंने अपनी डोमेन ऐड की। डोमेन ऐड करने के बाद गूगल हमें तीन ऑप्शंस देगा कि हम तीन तरीके से इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। एक तो कोड सेंड करवा के, दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तीसरा एचटीएमएल टैग ऐड करके, चौथा टैग मैनेजर के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोड ऐड करूँगा अपनी वेबसाइट में और कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और ये कोड मैं मुझे लगाना अपनी वेबसाइट के हेड टैग में। तो मैं क्या करूंगा, इधर प्लगइन ऐड करूंगा हेडर फुटर के नाम से। ठीक है, प्लगइन में गया, ऐड प्लगइन पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, इधर ऐड हेडर फुटर, ये मैंने प्लगइन सर्च किया। सर्च करके मैंने इसको क्या करना है, मैंने इंस्टॉल करना है इसको। ये मेरा आ गया, ये वाला कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करके मुझे अपने हेडर में ये कोड लगा देना ताकि वो ऑनलाइन हो जाए। मैं बजाय इसके आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपको मैन्युअली जाके इसको अपलोड ना करना पड़े। ठीक है, तो मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना प्लगइन आना पड़ेगा मुझे इसके लिए सेटिंग, और एक मिनट इधर से ढूंढ लेते हैं प्लगइन।
ये है एलिमेंटर हेडर फुटर वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस पे, ये वाला प्लगइन हमें कहाँ पे मिलेगा, अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर, ये थीम फाइल एडिटर, और थीम फाइल एडिटर में जाते हैं क्योंकि वो प्लगइन अभी मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं नहीं चाह रहा वीडियो लंबी हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेड वाले सेक्शन के अंदर जाके इसको सिंपली ऐड कर देता हूँ। दो मेथड हैं, आप प्लगइन इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा इसको, ये हेड का टैग है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे जो मेरा टैग क्लोज हो रहा है, ये जो मैंने नो इंडेक्स के टैग लगाए हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरा इधर से अभी अपडेट हो रहा है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा, ये देखें सक्सेसफुली अपडेट हो गया, मैं इधर आके इसको वेरीफाई करूंगा कि मैंने कोड लगा दिया वेबसाइट पे। अब ये देखिए, ये वेरीफाइड हो गया और क्लेम भी हो गया, अब खुद ही उसने कंटिन्यू कर दिया, तो ये वाला स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्म करना है कि मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन स्टोर है, उसको कंफर्म करना है। ये बेसिकली स्टेप हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके अब हमारे ये दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए, ये मैं बाद में करवाऊंगा नंबर वेरिफिकेशन का। उसके बाद ऐड डिटेल टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, कि आपने डिटेल्स ऐड करनी है कि आप प्रोडक्ट किस तरह शिप करेंगे। मैं ऐड करूंगा कंट्री को, कंट्री मेरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान को सिलेक्ट करके सेव, सेव करके हम क्या करेंगे इसको कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करके हमें शिपिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूंगा, ये कंट्री वाला मेरा ओके हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट अपलोड करनी है, मुझे ऑल प्रोडक्ट्स के साथ जाना, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करके मैं कहता हूँ कि मेरा जो ऑर्डर कट ऑफ टाइम है वो है 4 बजे, 4 PM दोपहर को, और मैं इसको टाइम जोन सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान कराची का, ठीक है, कराची सेलेक्ट किया क्योंकि ये पाकिस्तान में आता है। उसके बाद हैंडलिंग टाइम मैं रखता हूँ कि 3 से 4 डेज, और ये फुलफिलमेंट मंडे टू सैटरडे होगी, और इसको मैं रखता हूँ अगेन 3 से 4 दिन, कि 3 से 4 दिन मिनिमम मैक्सिमम लग सकते हैं दिन। तो इसको अब मैं कंटिन्यू करूँगा, और मैं फ्री शिपिंग दूंगा, तो इस वजह से मैं फ्री शिपिंग के साथ कंटिन्यू करूंगा, और ये मेरी शिपिंग डिटेल, इसको सेव कर दिया मैंने, और ये मेरी सारी शिपिंग डिटेल जो थी वो मैंने ऐड कर दी है। आप इसको डन कर दीजिए, ये मेरे 7 से 8 दिन लग सकते हैं ऑर्डर में। उसके बाद प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करनी है, आप कंटेंट API जनरेट कर सकते हैं, आप फीड अटैच कर सकते हैं, आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, या बल्क में आप अपलोड कर सकते हैं, तो वो आपको मेथड सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐड योर प्रोडक्ट फ्रॉम फाइल, आप फाइल के थ्रू ऐड कर सकते हैं, आप शीट के थ्रू ऐड सकते हैं, कर सकते हैं, आप 1 by 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मैं सेपरेट अपनी फीड बना के ये ऐड करूंगा। तो ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये अब आपका मर्चेंट सेंटर, जब स्टेप्स कंप्लीट करेंगे आपका मर्चेंट सेंटर रेडी हो गया सर्व करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपको किस तरह मर्चेंट अकाउंट बनाना है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।